एसपी 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। दंगाई किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित लाल किले पर किए गए उत्पात के बीच दीप सिंधु का नाम चर्चा में बना हुआ है। दरअसल मंगलवार के दिन जब लाल किले पर दंगाइयों ने काले हरे पीले झंडे को फहराया तब दीप सिंधु वहाँ मौजूद थे और वीडियो बना रहे थे। उससे पहले सिंधु के किसान आंदोलन के शुरू होने के दौरान सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय दिखे। दीप सिंधु को तब लिबरल वर्ग द्वारा बड़ी स्तर पर सहारा जा रहा था और उन्हें एक नायक की तरह पेश भी किया जाता था। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में जो कुछ हुआ उसके बाद जो कांग्रेस ने कुलदीप से किनारा करने की कोशिश कर रखी है। बता दें वास्तव में किसान नेताओं से लेकर सोशल मीडिया तक लिबरल गिरोह भी इस घटना के लिए अब दीप सिंधु पर निशाना साधकर कल की घटना के लिए सिर्फ उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये सब इसलिए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की ओर से सनी देओल को लोकसभा हल्का गुरदासपुर से चुनाव मैदान में उतारा गया और तब से सनी देओल के चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों से दीप सिंधु भी एक है। यही वजह है कि दीप सिंधु का नाम अब विरोधियों द्वारा लगातार सनी देओल के साथ जोड़ा जा रहा है। जब नए कृषि कानून का विरोध जोर पकड़ रहा था तब दीप सिंधु भी इसका हिस्सा बन गए थे। लेकिन भाजपा नेता सनी देओल ने 6 दिसंबर को ही एक घोषणा कर दी थी कि उनका उनके परिवार का दीप सिंधु के साथ कोई संबंध नहीं है। एक समय किसान विरोध प्रदर्शन के क्रांति बताने वाले दीप सिंधु को लिबरल गिरोह कांग्रेस और किसान नेता भी अपने अपमान के लिए इनकार कर रहे हैं। हंगामे के अगले सुबह से ही सोशल मीडिया दीप सिंधु को लाल किले के उत्पात का दोषी साबित करने में नजर आ रही है। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर उसने भीड़ को भड़काया था। लेकिन अब दीप सिंधु ने बड़ा बयान आया, उसने कांग्रेस को हाथ बताया है। आपको बता दें कि नेताओं योगेंद्र यादव जैसे प्रदर्शनकारी और सोशल मीडिया पर जहर बो रहे वैचारिक दंगियों के एक किनारे करते हुए इस हंगामे का सारा श्रेय दीप सिंधु को माना जा रहा है। इस पर अब दीप सिंधु ने सवाल किया है कि लाल किले के पास भारी तादाद में लोग पहुंचे तो क्या सभी को मैंने ही भड़काया। दीप सिंधु ने इस प्रकरण पर सफाई दी और लोगों को भड़काने के लिए आरोप भी गलत बताया। दीप सिंधु ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव होकर कहा कि इस घटना के लिए उन्हें विलेन बनाया जाता है। सबके बीच कांग्रेस जो दीप सिंधु को किसान आंदोलन का नायक साबित करने के लिए उसके किसानों के समर्थन में दिए गए बयानों को जमकर आधिकारिक का वेब पोर्टल पर जगह देती रही, वही आज एक एक करके उस वीडियो को पूरी तरीके से कांग्रेस डिलीट करेगी। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि दीप सिंधु और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं तालमेल और कनेक्शन जरूर है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको एक खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।